नमस्कार साथियों, तो हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान एमपी स्पेशल के बारे में। पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे हम लोग मध्य प्रदेश में नदियों के बारे में, मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। अब इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। ठीक, भारतीय भूमि एवं मृदा सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश की मिट्टी को पांच भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन सी है पांच मिट्टी? काली मिट्टी, ह्यूमरस या रेगर भी इसे बोला जाता है। ठीक है, ह्यूमस या रेगर मिट्टी। स्थानीय लोग इसे भर्री या कनहर भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है काली मिट्टी। दक्कन टैप मालवा के पठार में बेसाल्ट नामक अग्नेय चट्टानों से निर्मित यह लावा मिट्टी है। चीका और बालू निर्मित लोहे और चूने की प्रधानता है इसमें। लोहे की अधिकता से काला रंग है इसका। चूने की उपस्थिति से आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता भी है इसकी। इसका पीएच मान काली मिट्टी का कितना है? 6.3 से 6.4। ठीक, काली मिट्टी प्रदेश के 510 लाख एकड़ क्षेत्रफल यानी कि 48% में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास कृषि के लिए सर्वोत्तम है। ये कई बार पूछा जा चुका है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे सर्वोत्तम है, तो याद रखिए काली। काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में फास्फोरस, फास्फेट, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी होती है। फिर हमारी दूसरी मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। कौन सी है? लाल पीली मिट्टी। दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली बुंदेलखंड के कुछ भाग तथा बघेलखंड में यह पाई जाती है। विशेषकर मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल जिलों में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी का निर्माण आर्कियन, धारवाड़, प्रमुखता गोंडवाना काल की चट्टानों की ऋतु क्षरण से हुआ है। लाल पीली मिट्टी के रंग का निर्धारण फेरिक ऑक्साइड की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है। लाल पीली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 5.5 से 8.5 तक। अर्थात यह मिट्टी अम्लीय से क्षारीय होती है। लाल पीली मिट्टी चावल की कृषि के लिए अधिक उपयुक्त है। लाल पीली मिट्टी में ह्यूमस तथा नाइट्रोजन की कमी होती है। अब बात करते हैं तीसरी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काप मिट्टी। राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों यथा जैसे भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर में क्षारीय प्रकृति की मिट्टी पाई जाती है जलोढ़। इसे एलू एल्यू वाइल मिट्टी या दोमट मिट्टी भी बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में मृदा अपरदन अपरदन को रेंगती हुई मिट्टी कहा जाता है। यह चंबल बहाव क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग विशेषकर भिंड, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर सबसे अधिक प्रभावित हैं इससे। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बुंदेलखंड नीस के ऋतु क्षरण तथा चंबल नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों से हुआ है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, जैव तत्व एवं फास्फोरस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी प्रदेश के 30 लाख एकड़ क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। जलोढ़ मिट्टी में बालू सिल्क मृत्तिका का अनुपात होता है 50:19.6, 19:6:29.4। जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से सरसों एवं गेहूं की फसल पैदा होती है। जलोढ़ मिट्टी में उर्वरता अधिक पाई होती है। ठीक है, फिर हमारी चौथी मिट्टी है लेटराइट मिट्टी, इसे भाटा भी कहते हैं। छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों में के लगभग 70% भाग पर यह पाई जाती है। फिर अगली है बलुई मिट्टी, इसे लाल रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। बुंदेलखंड के कुछ भाग में रेत बालू से मिश्रित मिट्टी पाई जाती है जो नीस
ग्रेनाइट चट्टानों को की टूटने से बन निर्मित है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मिट्टियों का वितरण, विशेषताएं और क्षेत्र। एक ही तालिका में हम देख लेते हैं सारणी में। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि पूरा सार मिट्टियों का इसी में है। ठीक है, इसी से आपका एमपी स्पेशल हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी, कार्बोनेटेशस मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में मुख्य घटक क्या है? कार्बोनेटस। कमी इसमें क्या है, काय काय की पाई जाती है, किस किस की? तो फास्फोरस, जैव तत्व। प्रकृति कैसी है? उदासीन। यह क्षेत्र कहाँ है? उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में। इसके जिले कहाँ कहाँ पाई जाती है? भिंड, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, सीहोर। इसमें मुख्य फसल कौन कौन सी होती है? गेहूं, गन्ना, कपास। फिर है लाल पीली मिट्टी, तो लोहे के ऑक्साइड कैल्शियम होते हैं इसमें मुख्य घटक, और कमी पाई जाती है नाइट्रोजन, ह्यूमस की। ये प्रकृति होती है इसकी अम्लीय से क्षारीय तक। ये बुंदेलखंड पठार की पूर्व में पाया जाता है, जैसे मंडला, बालाघाट, शहडोल आदि में पाई जाती है। इसमें चावल मुख्य फसल है। फिर है गहरी काली मिट्टी, तो इसमें लोहा, चूना, अम्लीय, HCl में घुलनशील तत्व पाए जाते हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव तत्व की कमी होती है। यह अम्लीय प्रकार की है मिट्टी। ये मालवा पठार एवं सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है, होशंगाबाद, हरदा जिले में, हरदा जिला में। केपुक गेहूं, कपास, तिलहन, चना के लिए उपयुक्त है। फिर है हमारी साधारण गहरी काली मिट्टी, तो इसमें लोहा, चूना एवं HCl में घुलनशील तत्व होते हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव तत्व की कमी होती है। अम्लीय प्रकार की है ये। उत्तरी मालवा पठार निवाड़ में पाई जाती है। ये गुना जिला, शाजापुर, शिवपुर, उज्जैन, विदिशा, भोपाल, रायसेन में पाई जाती है। गेहूं, कपास, मूंगफली, ज्वार के लिए उपयुक्त है। फिर है छिछली काली मिट्टी, तो इसमें लोहा, चूना, HCl में घुलनशील तत्व पाए जाते हैं मुख्य घटक। फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव तत्व की कमी होती है। अम्लीय प्रकार की है। सतपुड़ा क्षेत्र में पाई जाती है, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल जिले में। गेहूं और कपास के लिए उपयुक्त, गेहूं और चावल के लिए उपयुक्त है मिट्टी। कछारी मिट्टी, इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, अम्लीय प्रकार की है। चंबल घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना में। गेहूं, गन्ना, कपास के लिए उपयुक्त है। फिर है मिश्रित मिट्टी, इसमें फास्फेट, नाइट्रोजन, कार्बनिक अम्ल की, कार्बनिक पदार्थ की कमी पाई जाती है। पठारी क्षेत्रों में होती है, जैसे टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा में मिश्रित मिट्टी होती है। ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज पाए यहाँ उगते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी मिट्टियाँ। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे सिंचाई के बारे में, मध्य प्रदेश के सिंचाई। ठीक है, अगर लेना चाहते हो तो शॉर्ट स्क्रीन शॉट ले सकते हो।